प्यारे बच्चों आप ठीक हो तीसरी जमात के लिए मैंने आज ये टॉपिक लिया तीसरी जमात के लिए कश्मीरी कश्मीरी में आपका वो जो एक चैप्टर है एक लेसन है उसका नाम है सोत क्या है सोत उसी में कुछ वर्ड हमने लिए हैं यहाँ मैंने लिखा अमला दोहराइए अमला माने कुछ लिखना दोहराए वही आपको दोहराना है यहाँ मैंने लिखा वंद आपको भी लिखना है यहाँ दोहराना है वाह वाह नून दाल मगर इसके ऊपर ये निशानी लगानी है क्योंकि ये कश्मीरी है ना इसी तरह है निशात नून जी ने तो निशात इसी तरह है गुली लाला बाग गुल लमलामहिला लम बाग इसी तरह है बादाम वे लफा दामी वाह वाह वा नहीं इसको हम वो एंड डालेंगे वर शाबाश ये कश्मीरी है मुझे ये कश्मीरी में पढ़ाना था मगर बदकस्मती में आप पहाड़ी बच्चे हैं मुझे आपको ये कश्मीरी जो है ये आपको उर्दू में हम सिखाते हैं मैं तो उर्दू में सिखाती हूँ आपको क्योंकि आप पहाड़ी लोग हैं कश्मीरी आप नहीं समझते ज़्यादा इसीलिए अमला दोहराई जो हम लिखते हैं यहाँ वही दोहराना अब निशा वंद लिखा मैंने यहाँ भी वंद यहाँ निशात लिखा है ये भी निशात यहाँ गुल लाला बाग गुल लाला बाग बाद वारी। अब इसके बाद हम इसके कौशनज लिखेंगे शाबाश हाँ बच्चों अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया मिसाल व्यचू तो रलयु अक्षर तो बनायू ये बोलते हैं कि मिसाल आप ये मिसालें देखो पहले ये मिसालें देखो और लफ बनाओ ये है मिसाल नून एलिफ मीम रे वाव एलिफ रे अगर हम ऐसे पढ़ेंगे मीम नून प्लस वाव नून नून अलग है अल्फ़ अलग है मीम अलग है अल्फ़ अलग है वाव अलग है अलिफ़ अलग, अलिफ अलग है रे अलग है अब हम इसको मिलाएंगे मिला कर ये लफ्ज़ बनेंगे यहाँ मैंने लिखा है नून अलिफ यहाँ है नून अलिफ़ नून को मिलाएंगे मिलाएँगे सी नून अलिफ ना मीम को मिलाएंगे मिलाएँगे अल्फसी मेमफ माँ वाव अल्फ रे वाव वाउलिफ वारे वार नामा वार ये बन गया हमारा लफज एक नामा वार इस तरह है दूसरा आपको जीम अलिफ नून अलिफ वाओ रे ज़रा इसको बोलो इसके मतलब ये कौन सा लफ्ज बनेगा शाबाश बच्चों जिम को मिलाएंगे अल्फ से।, से जिम को मिलाएंगे अल्फ से जिम अल्फ़ जा नून को मिलाएंगे अलफ से इस नून को मिलाएंगे इस अलफ से नन नफ नफ रे फिर हम लिखेंगे वाव मिलाकर लिखेंगे वाव अल्फ रे फिर क्या बन गया ये जानवर कश्मीरी लफज है जानवर इसी तरह है बे खायफ वाफ रे पहले लेंगे हम बे खाये को मिलाएंगे ये हैं बे खाय ते अलफ इनको एक ही लफज बनेंगे बेखाते बख्ता वालफ वे बख्ता बन गया ये लफ इसी तरह है सीनफ दाल रे वफ वे सीन को अलफ से मिलाएंगे मगर अलफ़ को निशानी है सीन और है अलफ अलफ के ऊपर है उ, स अल रे दर सदर वाले वार, सदर वार इसी तरह आप कोशिश करना घर में आ, दो और तीन मतलब दो दो तीन तीन, तीन लफ बनाना घर में शाबाश, वो आपके लिए होमवर्क है चलो आज के लिए इतना ही खुदा हाफिज